मॉर्निंग गाइस, आज है डैडी आज है इंडिपेंडेंस डे हमारा नई पाकिस्तान का, और यहाँ उसी खुशी में हम चाय और ब्रेड का नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ मम्मी भी अपना फोन चला रही है। चाय आप सब के लिए। वैक्सीन लग गई और वैक्सीन में तुम क्या मिला? मज़ा और बिस्किट। तो गाइस सेकंड डोज मेरे को लग चुकी है एंड मज़ा आ गया। जैसा फर्स्ट डोज में मज़ा आया था, सेकंड डोज में मज़ा आ गया। भीड़ नहीं ठीक है, मतलब मैं जल्दी आ गया था तो जल्दी आने का फ़ायदा मेरे को मिल गया। तीसरा नंबर मेरा था, मज़ा आ गया। तो गाइस वैक्सीन लगा के हम जा रहे हैं हम घर, और फ़ायदा मिल गया हमको ये कि, और मुझे ये फ़ायदा मिल गया कि मैं जल्दी आ गया, क्योंकि अगर मैं इस समय आता तो देख रहे हो अंदर इतनी भीड़ थी इस समय यार, कसम से 2-3 घंटे और लग जाते मेरे को। और मैं जल्दी, ये क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात, मैं घर से निकल गया था 8 बजे, और पहले हम गए थे दूसरे हॉस्पिटल पहुँच गए थे जहाँ जाना था लंबाग के, बट वहाँ बंद हो गई थी वैक्सीन। यहाँ पे आए, यहाँ पे 10 बजे स्लॉट खुलना था, हम लग गए लाइन में, और तीसरा नंबर मेरा था। फिर क्या, बस लग गई, मज़ा आ गया देख के। यार मैं सोच रहा था वहाँ फ़ोटो खींचो बट नहीं हो पाया। चलो फिलहाल अब हम जाएंगे घर। पे खड़ी अपनी बाइक। तो गाइस मैं वापस आ गया हूँ घर, गर्मी बहुत है और मैं नहाया भी नहीं सुबह से। मैं सोच रहा हूँ बाइक अपनी साफ कर लूँ, क्योंकि यार गंदगी बहुत हो गई है। तो हाँ, आपको एक चीज़ और दिखा दूँ मैं। तो ये है अपनी साइकिल नई, तो ये मैं कल लेके आया, टाटा की है, और मज़ा आ गया देख के। बेसिकली साइकिल मैंने इसलिए ली है कि सुबह सुबह वॉकिंग करने में मज़ा बिल्कुल नहीं आता था, और रोड भी कभी कीचड़ कभी गोबर ओबर सब पड़ा रहता था। मैंने कहा चलो साइकिलिंग करेंगे, लंबा टूर करेंगे साइकिल पे मस्त। अब तो हमने साइकिल कल ले ली है और इसी के ऊपर जाएंगे हम घूमने। और हाँ, अगर आप में से कोई भी मेरे घर के आसपास रहता हो, उसको साइकिलिंग करनी हो मॉर्निंग में, तो आप मेरे को जरूर मैसेज कर सकते हो। मेरा घर शहीद पथ के पास, बाकी इतना ही मैं बता सकता हूँ। आगे अगर इसके आसपास कोई आप रहते हो, शहीद पथ ओमेक सिटी के आसपास कोई भी रहते हो और मॉर्निंग आपको साइकिलिंग करनी है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज्वाइन करूँगा, तो प्लीज़। तो दोस्तों मैं अपनी बाइक वॉश करने जा ही रहा था, लेकिन मम्मी ने आवाज़ दे दी कि नाश्ता कर लो, और नाश्ते में गेस करो क्या बनाऊँ। मम्मी क्या बना रहे हो? आलू के पराठे। मम्मी बना रही है आलू के पराठे विद चीज़। आलू के पराठे विद चीज़। तो हम उसको खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, उसके बाद अपनी मोटरसाइकिल धोएंगे। This is Happy Independence Day.
दिस इज इंडिपेंडेंस डे एंड गुड मॉर्निंग मम्मी. आपको भी. तो दोस्तों इस समय हमको लगी है बहुत तेज़ भूख, क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में ध्वजारोहण था. वो उस फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में हम उपस्थित थे, तो वहाँ सिर्फ मिला था एक लड्डू और वो लड्डू खा के ही हमने अभी तक गुजारा किया. तो इस समय लग रही है मेरे को हद से ज़्यादा भूख, और यहाँ पे पता चला है कि खीर बनी है आज हमारे यहाँ, और जो मैं खाने जा रहा हूँ. मम्मी खीर खा लो ना. देखो ये भी आ गया है खीर खाने के लिए. भूख लगी थी इसको इसलिए चिल्ला रहा था, और ये खा रहा है खीर. सहज खीर खा लो. राम राम जी. आज मिले हैं बहुत सारे लड्डू. ये देखो सारा काम कर करके थक गई. जब आऊं जब तू हमेशा उधर लेती हूं. जब भी बचाओ कितने बजे आऊं, 3 बजे आऊं तब भी प्लेक्सी मिलेगी, 2 बजे आऊं तब भी. आज मैं जल्दी आ गया तब भी. और ये पता नहीं विश्वास करना, अब भी जस्ट आंखों में इसी बस ये मोबाइल उठा के ले लेती. अभी सारे कपड़े प्रेस प्रेस कर ही बहुत सारे. एक लड्डू, दूसरा लड्डू. लो मम्मी खा लो सारे खा लो सारे.